हेलो जी नमस्कार सलाम सत विश यू ऑल अ वेरी वॉम वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ आकाश बाई जूज नीट यूट्यूब चैनल मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ एक और बेहतरीन सेशन लेकर के क्लास इलेवेंथ का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं भाई इसमें ओवरऑल क्या क्या चीज़ें हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में एनिमल टिश्यूज एंड एनिमल मॉर्फोलॉजी एनिमल टिश्यूज में एपिथेलियल कनेक्टिव न्यूरल मस्कुलर ये चारों टिश्यूज़ हम अपने पिछले सेशंस में पढ़ चुके हैं तो आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स जिसमें कॉकरोच अर्थवम एंड फ्रॉक अब अक्सर कई बच्चों के मन में सवाल होता है कि भाई अर्थम और फ्रॉग तो नीट के सिलेबस में है ही नहीं जरा पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स उठा के चेक कर लीजिएगा सवाल पूछे जाते हैं अर्थम में से भी फ्रॉग में से भी एन में ये दिए हुए हैं तो आपको पढ़ने पड़ेंगे ठीक है जी सो ऑल माई फ्यूचर डॉक्टर्स ऑल माई राजा बेटा एंड ऑल माई रानी बेटिया याद रखिएगा वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है जिसके लिए बहुत सारी मेहनत आपको करनी पड़ेगी सही दिशा तो एक पॉजिटिव सोच के साथ एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ों को साथ के साथ नोट करते रहना कॉपी पेन अपने साथ रखिएगा ठीक है जी मेरी गुड विशेज हैं आप सभी के लिए तो आगाज करते हैं जी आज के सेशन का आपको थोड़ा सा रिजल्ट से रूबरू करा दें हम आकाश वाइज नीट ने बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस करे हैं हर साल की तरह रैंक वन टू थ्री नाइन टेन एंड सो ऑन आई विश द सेम फॉर यू अगले साल मैं इसी प्लेटफॉर्म पे गर्व के साथ आपका नाम भी अनाउंस कर सकूं कि आप मेरे स्टूडेंट हैं और आज आपने नीट में बेहतरीन रैंक लिया है और एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आप अपनी एमबीबीएस कर रहे हैं सो हमें भी ऐसा बनना है ऐसा दृढ़ संकल्प आपको करना है असंभव शब्द केवल उन लोगों के लिए बना है जो ना जो ना ही खुद कुछ करना चाहते हैं और ना ही दूसरों को करने देना चाहते हैं असंभव शब्द उन्हीं लोगों के लिए समझे आप जिन्होंने खुद भी कुछ नहीं करना और दूसरों को भी नहीं करने देना वही उदाहरण देते हैं इस चीज की कि दिस इज इम्पॉसिबल ये तो असंभव है ये तो हो ही नहीं सकता इवन द वर्ड इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल है ना खूबसूरत सी बात चलो जी आगे बढ़े खुशी वक्त well. पिछले सेशन में मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका हूँ जिन बच्चों ने किसी कारणवश पीछे का सेशन अटेंड नहीं करा है तो उन्हें बता दिया जाए हम पिछले सेशन में एनिमल टिश्यूज टॉपिक जो है वो कवर कर चुके हैं एपिथीलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलर टिश्यू न्यूरल टिश्यू ऑल दीज है प्रीवियस सेशंस चैनल का प्लेलिस्ट देख लीजिएगा वहां पे आपको इसका वीडियो मिल जाएगा तो आज के हमारे इस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी ऑफ कॉकरोच अर्थवम एंड फ्रॉग अच्छा आपने कभी सोचा है इन्हीं तीनों जानवरों को क्यों लिया गया है इसकी जगह कोई और एनिमल क्यों नहीं दे दिया गया जब भी हम बायोलॉजी में कोई टाइप स्टडी करते हैं किसी भी फाइलम को लेके सपोज आर्थ्रोपोडा का मेंबर है कॉकरोच फेरी प्लानिटा अमेरिका नाम एनेलिडा का मैंबर है फेरी टीमा पॉस्थी यानी अर्थवम क्लास एम्फीबिया का मेंबर है फ्रॉग यानी राना टिगरी नाम तो ये इजली अवेलेबल क्रिएटर्स हैं बिल्कुल सिंपल से ऑर्गेनिज्म है आसानी से हैंडल हो जाते हैं ऐसा भी नहीं कि कोई जहरीले हैं ये हमें डस लेंगे ये हमें डंक मार देंगे इन्हें ढूंढना बड़ा मुश्किल है है ना ऐसा तो कुछ नहीं है ईजिली अवेलेबल है तो इसीलिए हम ऐसा मॉडल ऑर्गेनिज्म लेते हैं आपको पढ़ाने के लिए स्कूल्स में कॉलेज में डाइसक्शन्स भी कराए जाते हैं कॉकरोच अर्थोमैन फ्रॉक को लेकर के बहुत सारे स्कूल्स में अब नहीं भी होते हैं ठीक है जी सो कैन वे स्टार्ट राइट पवन चक मॉर्फोलॉजी और एनाटमी में अंतर क्या है पहले ये बात जान नहीं मॉर्फोलॉजी होता है स्टडी ऑफ दी एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल फीचर्स जैसे फ्रॉक की मॉर्फोलॉजी की बात करूँ तो भाई बाहर से देख करके फ्रॉक को आप क्या क्या बता सकते हैं डॉर्सल साइड का कलर ऑलिव ग्रीन है वेंट्रल साइड का हल्का सा येलोइश है टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं बल्जिंग आइज हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है है ना तो ये फ्रॉक के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हो गए मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी फॉर्म और द एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स एनिमल का शेप साइज कलर नंबर ऑफ लेग्स टेल प्रजेंट है नहीं है ये हो जाती है मॉर्फोलॉजी जब आप जिक्र करते हैं कि किसी एनिमल की एनेटमी क्या है एनेटमी इज़ दी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दर्गेनिज्म फ्रॉक की एनाटॉमी का हम जिक्र करें तो भाई उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उसका सर्क्यूलेटरी सिस्टम हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है कितने चैम्बर्स हैं हार्ट में सो so, वो हो जाती है एनाटॉमी। कन्वेंशनली इट्स आल्सो कॉल्ड एज द मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऐसा भी कह देते हैं राइट right, जी सोनाली क्लियर है बिल्कुल मैं मैं उनका मैसेज देख रहा हूँ और इग्नोर भी कर रहा हूँ कुछ बच्चे करते हैं स्मार्टनेस कैन सिंपली इग्नोर दैट आगे बढ़ते हैं जी सो मॉर्फॉलोजी एंड एनाटोमी ऑफ कॉकरोच आप में से कितने बच्चे, बच्चे मुझे कॉकरोच का जुआलॉजिकल या साइंटिफिक नेम बता सकते हैं बताइए जी खुशी बेटा गीता वरुण राजपूत जल्दी से शिवा बताओ मुझे कॉकरोच का जुआलॉजिकल नेम बताओ जल्दी से क्विकली राना टिगरीना नहीं है पवन राना टिगरीना तो फ्रॉक का जोअलॉजिकल नेम होता है सोनाली ने सही कहा इट इज पेरी प्लेनेटा अमेरी कैना यश याद रहेगा पेरी अमेरिकेना मेरी कैना व का क्लासिफिकेशन देख लें हर एनिमल का अपना सिस्टमिक पोजीशन होता है किंगडम है एनिमेलिया राइट right? आप जानते किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है राइट क्लियर किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फ़ैमिली जीनस जीनसपेशियस किंगडम एनिमेलिया फाइलम इज आर्थ्रोपोडा क्लास क्या है कॉकरोच की इंसेक्टा इंसेक्टा को हेक्सापोडा भी कहते हैं हेक्सा मतलब छह थ्री पेयर ऑफ लेग्स ऑर्डर है Blatodia. आप ऑर्डर ना याद कीजिएगा कई बुक्स में ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा दिया होगा कईयों में डिक्टियोप्टेरा दिया होगा पुराना लिटरेचर है वो जस्ट फॉरगेट इट आप बेशक ऑर्डर ना याद कीजिएगा फैमिली ब्लाटीडे है जीनस इज पेरी प्रेरणा बेटा एंड स्पीशीज इज एमेरी ओके चलो आगे बढ़ते हैं Uh, कॉकरोच को जब आप देखते हैं जो आपने नॉर्मली कॉकरोच देखा है वो uh, पेरी प्लानेटा अमेरिकाना देखा होगा अमेरिकन कॉकरोच है इसके अलावा एक ओरिएंटल uh, जो है वो भी कॉकरोच इंडिया में भी अवेलेबल है दैट इज़ ब्लाटा ओरिएंटेलिस दीज आर द टू स्पीशीज विच आर कॉमनली फाउंड इन इंडिया तो हमसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि कॉकरोच की वो कॉमनली फाउंड स्पीशीज़ कौन सी हैं जो भारत में मिलती हैं वन इज़ पेरी प्लेटा अमेरिकेना एंड अदर इज ब्लाटा ओरियन चैलस कॉकरोच के जर्नल फीचर्स क्या हैं नॉक्टर्नल है नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात के समय ही एक्टिव होता है निशाचर कहते हैं हिंदी में ओमनीवोरस है भाई कुछ भी खा जाता है और इवन दूसरे कॉकरोच को भी खा जाता है कैनेबिलिस्टिक बिहेवियर भी शो करते हैं कर्सोरियल है कर्सोरियल का मतलब होता है बेटा तेज दौड़ने वाले कॉकरोच रन्स वेरी फास्ट आपने देखा होगा बड़ी तेजी से दौड़ते हैं इवन उड़ भी सकते हैं कॉकरोच लेकिन कम उड़ते हैं छोटे से हैं लगभग तीन इंच का साइज लगा लीजिए वार्म एंड डैम्प प्लेसेस नमी वाली पाए जाते हैं और सीरियस पेस्ट है इनकी जो एक्सक्रीटा होती है उसमें से भी बहुत स्मेल आती है दे आर वैक्टर ऑफ मेनी डिजीजेस मोस्टली इनहेबिट द ट्रॉपिक्स बट सम्पीशीज आर ऑल्सो सीन इन टेम्परेट रीजन ऑल्सो राइट ये जर्नल हमने कॉकरोच के फीचर्स बताए रेडिश ब्राउन से कलर का होता है और आपने कई बार हाथ में भी पकड़ के देखा होगा जिन्हें डर नहीं लगता है कुछ लोगों को डर लगता है इंसेक्ट से एंटेमोफोबिया कहते हैं उसे बॉडी जो है डॉर्सोवेंट्रली डिप्रेस्ड है इस तरह से और आप गौर से देखेंगे तो आपको हेड रीजन नज़र आएगा कॉकरोच में थॉरक्स रीजन नज़र आएगा थ्री पेयर ऑफ लेग्स होंगे एंटीना भी होंगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर्स की दैट इज काइटिनस एक्सोस्केलेटन, काइटिन से बना हुआ इनका एक्सोस्केलेटन जो है वो इन्हें इस काबिल बनाता है कि ये मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स हैं पूरी एनिमल किंगडम में अगर हमसे पूछा जाए मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स कौन से हैं आर्थ्रोपोड्स और आर्थ्रोपोड्स में सबसे ज़्यादा स्पीशीज किसकी हैं इंसेक्ट्स की स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड टोमोलॉजी सो काइटनस एग्जोस्केलेटन प्रेजेंट है और वो प्लेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है और उन प्लेट्स को क्या कह देते हैं स्क्लेराइड्स ध्यान रखना है Right जी? Suppose, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ये रिमोट आपके सामने है है ना तो ये एक सेगमेंट लगा लीजिए बॉडी सेगमेंटेड और ये कवर्ड है chitinous exoskeleton से जो ऊपर डॉर्सल प्लेट देन देर इज वेंट्रल प्लेट वी कॉल इट टर्गा कॉल स्टर्ना एंड लेटर तो ये स्कलैराइड हैं ध्यान रखना है chitinous plates. क्या होती हैं डॉर्सल स्क्लेराइट ऊपर वाली स्क्लेराइट जो है उसे टर्गा कहते हैं और वेंट्रल साइड में जो है उसे स्टर्ना कहते हैं और जो लेटरल साइड में होती है ना बेटा उसका भी नाम होता है जो लेटरल वाली होती है दैट इज कॉल्ड प्लिय और ये स्क्लेराइट्स जो है ना ये आपस में जुड़ी हुई हो होती हैं एक मेमब्रेन से राइट right? क्या आप बता सकते हैं कौन सी मेंब्रेन होती है वो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आर्थ्रोडियल मेंब्रेन आर्टिक्यूलर मेंब्रेन भी कहते हैं उसे बेटा आर्थ्रोडियल मेंब्रेन के साथ स्क्लेराइट्स जो हैं वो जुड़ी होती आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, मेंब्रेन फाइलम आर्थ्रोपोडा मीन्स ज्वाइंटेड अपेंडजेस राइट सो आर्थ्रोडियल मेंब्रेन कनेक्ट्स दी स्क्लेराइट्स याद रहेगा वेरी गुड आगे बढ़ते हैं जर्नल फीचर साइड पीठ वाली side की sclerite को को या या कहते कहते हैं। Ventral side वाली sclerite को sternum या sternum कहते हैं। वाली और लेटरल जो साइडों में है उन्हें प्लूरा या प्लूराइट कहते हैं ठीक है जी क्लियर है जी ना कॉकरोच की बॉडी को अगर हम गौर से देखें तो हम कहेंगे कि बॉडी इज डिविजिबल इन टू

और ये उसका हेड है ऐसे यहाँ पे दो बड़ी बड़ी आंखें भी होंगी इसकी तो ये 90 डिग्री का कौन बन रहा है ना सो हेड इज इट इज सिचुएटेड एट 90 डिग्री एंगल्स टू द मेन बॉडी एक्सिस जो हाइपोगने वाला हिस्सा है उसमें तीन सेगमेंट होती हैं प्रोथॉरक्स मीजोथॉरिक्स मेटाथॉरिक्स और एबडोमल रीजन में देर आर टेन सेगमेंट्स ये आपको याद रखना है इतनी बातें याद हो गई सभी बच्चों को कॉकरोच की बॉडी तीन हिस्सों में बटी हुई है हेड Thorax, abdomen, head is situated at 90 degree angle to the main body axis. isliye hum head ko hypognathus bhi keh dete hain ठीक है? Thorax कितने हिस्सों में बटा है? Prothorax, mesothorax, metathorax. अब ये रहा जी diagram cockroach का भाविक बेटा, ध्यान से ये diagram देख लो. यहां पे wings से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है इस बार नीट में भी आया है कि कॉकरोच में टू विंग्स फोर विंग्स हाइंड भी कहते हैं फोर विंग्रा और टेगमिना दे आर विंग कवर्स फ्लाइट तो ये वाली बातें याद रखना बड़ा जरूरी है तो जब आप डायग्राम गौर से देखते हो तो आपको चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं को ये 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 भी कहते हैं 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 और ये रहे hind wings, ये वाले जो है है ना? ये फ्लाइट हैं। है? ना में होते आपको का पे दिख रहा क्या होता टर्गा ऑफ द प्रोथॉरिक्स इज लार्जेस्ट प्रोथोरिक्स रीजन की जो टर्गा ऊपर वाली स्क्लेराइट है सबसे बड़ी है उसे प्रोनोटम कह देते हैं Then you can see these legs also. प्रोथोरेसिक रीजन में प्रोथोरेसिक लेग है, रीजन में लेग है राइट right जी क्लियर है राइट right? आगे बढ़ सकते हैं like लाइक का बटन दबाते रहिएगा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, है खुद ड्रॉ करना जरूर हेड की बात करता हूं बेटे कॉकरोच के केस में जो सिर होता है उसका हेड रीजन है आप देख सकते हैं कैसा है हेड इज ट्राइंगुलर तिकोणा है देर इज ट्राइंगुलर हैड एंड इट इज हाइपोग टर्म हमें याद रखनी है दिस कैन बी आस्ड इन द नीट एग्जाम कि कॉकरोच का सिर कैसा है इट इज़ एट राइट एंगल्स विद द मेन बॉडी एक्सेस और इसके माउथ पार्ट डाउनवर्डली डायरेक्टेड है माउथ पार्ट्स भी याद रखने जरूरी हैं बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं और माउथ पार्ट के हिस्से भी आपको पता होने चाहिए पेयर ऑफ कंपाउंड आईज आर प्रेजेंट ऑन देड कैप्स्यूल अब मैंने आंखें इसकी बड़ी बड़ी करके दिखाई हैं इंसेक्ट है इंसेक्ट के केस में कंपाउंड आईज होती हैं उनके छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं कंपाउंड आईज के जिन्हें हम ओमाटिडिया कहते हैं यश क्लियर है सोनाली खुशी ओमाटिडिया द यूनिट्स ऑफ द कंपाउंड आई ओमाटिडियम टिडियम यहाँ पे लेबल्ड है ना ये रहा इनमें मोजैक विजन होती है इट इज अ टाइप ऑफ विजन हाइपोथेसाइज्ड फॉर द इंसेक्ट कंपाउंड आई जिसमें कि इमेज इज फॉर्म्ड बाय हंड्रेड्स ऑफ सेपरेट ओमाटिडिया तो कई बार पूछ लेते हैं कि आई के जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, उनको क्या बोलते हैं ओमाटिडिया बोलते हैं मुस्कान ने सही कहा है मुजेक विजन प्रेजेंट है no. नोट हेड रीजन में ही आपको एंटीना भी नज़र आते हैं मेल में एंटीना लंबे होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन हेड एंड मल्टी सेगमेंटेड है एंटीना भी एंटीना के ना बड़े सारे काम होते हैं टेक्टाइल मतलब टच के लिए हैं ऑल फैक्ट्री मतलब सेंस ऑफ स्मेल के लिए और हीट के लिए भी हैं ये सेंसरी रिसेप्टर्स हैं टच के लिए स्मेल के लिए और हीट के लिए फंक्शन याद रखेंगे माउथ पार्ट्स किस तरह के हैं दिस कैन बी आस्ड एज अ क्वेश्चन

ऑल द लेग्स हैग्स के अलग अलग पार्ट भी होते हैं कॉक्साट्रोचेंटर फीमेल टिबिया टारस वो आप मत कीजिएगा चल जाएगा इतना भी क्लियर है इतना वरफुल चलो जी वॉट वट वॉज टेगमन और टेगमिना ये होते हैं इसके फोर विंग्स हमने कहा ना कि कॉकरोच में टू पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट हैं ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन इसी साल नीट 2022 में पूछा गया है ये रहे जी फोर विंग्स और ये रहे जी हाइंड विंग्स फोर विंग्स जो होते हैं दे आर ओपेक दे आर लेदरी दे आर प्रोटेक्टिव दे आर नॉट यूज्ड इन फ्लाइट दे फ्रॉम देजोथरक्स so mesothoracic wings they are called four wings they are also called elytra they are also called tegmina. they are also called wing covers they are not used in flight they are opaque and leathery they protect the hind wings so second pair of wings is hind wings they are membranous they are transparent

इसके अंदर ये होती हैं जिसके अंदर ट्रेक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं राइट सो दे आर ऑफ द बॉडी वॉल मेटाथोरेसिक विंग्स मेजोथोरेसिक विंग्स कंसेप्ट क्लियर अब हम आ जाते हैं एबडोम में थॉरेक्स में और याद रख लेना ईच थोरेसिक सेगमेंट इज हैविंग अ पेयर ऑफ लेग्स तो तीन हैं, से, थ्री पेयर मतलब कहा तो छह लेग्स तभी तो हमने हेक्सापोडा कहा एबडोम आप देखिए मेल एंड फीमेल कॉकरोच को देख के भी पहचान सकते हैं मेल की लंबाई आपको ज्यादा लंबी नजर आ रही है फीमेल थोड़ी सी ब्रॉड सी नजर आ रही है पर लंबाई कम है राइट right, जी एबडामन जो है ब्रॉडर इन फीमेल्स हम एब्डोमिनल रीजन की बात कर रहे हैं दस सेगमेंट होती हैं एबडामन में और जो दसवां सेगमेंट होता है ना दैट इज़ बाइफर्केटेड मतलब टेंथ सेगमेंट लगभग कुछ इस तरह सा होता है बायफर्केटेड कह दीजिए या बोट शेप्ड कह दीजिए समथिंग लाइक दिस राइट एब्डोमिनल रीजन में एनल स्टाइल है एनल सरसाए है एंड गोनेपोफाइसिस हैं तीनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं एनल स्टाइल के जरिए हम मेल और फीमेल कॉकरोच को पहचान पाते हैं एनल सरसाए भी प्रेजेंट हैं अंशु एंड एनल स्टाइल भी प्रेजेंट है मेल कॉकरोच में राइट फीमेल में एनल स्टाइल नहीं होता है शाहिल आगे बढ़ सकते हैं ये रहे जी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा एनल सरसाए क्या है फिलाेंटस सेंसरी स्ट्रक्चर्स, साउंड उंड के लिए हैं प्रेजेंट इन द टेंथ सेगमेंट। अब आप मेल कॉकरोच का वेंट्रल व्यू और फीमेल कॉकरोच का वेंट्रल व्यू देखिए, एनल सरसाई दोनों में पाए जाते हैं परंतु एनल स्टाइल जो है वो केवल मेल कॉकरोच में पाया जाता है राइट एनल स्टाइल इज पेयर ऑफ शॉर्ट अन लेग लेग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन मेल ओनली इट इज नॉट प्रेजेंट इन फीमेल्स, क्लियर? शिवा याद रहेगी इतनी चीज कॉकरोच मेल और फीमेल को एक्सटर्नली मॉर्फोलॉजिकली भी देख के आप पहचान सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है एनल स्टाइल वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है वी कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन इन नीट राइट वेरी गुड ना एबडोम रीजन में जेनेटल पाउच मेल

बना रहे हैं फीमेल के केस में सेवेंथ एंड नाइन्थ स्टर्ना जो है वो मिलकर के बना रहे हैं ब्रूड पाउच फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अभी हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम अलग अलग ग्लैंड का जिक्र करेंगे कोलेटेरियल ग्लैंड होती हैं विच फॉर्म कवरिंग ऑफ द ऊथी का मेल के केस में हम कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड मशरूम ग्लैंड इनका जिक्र करेंगे ठीक है मेरे बच्चे चल आगे बढ़ें अब आ जाते हैं कॉकरोच के इंटरनल सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं एलिमेंट्री कैनाल की तो एलिमेंट्री कैनाल को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं एंड एलिमेंट्री कैनाल के तीन हिस्से हैं फोरगट मिडगट एंड हाइंड गोरगट में फर्दर क्या क्या इंक्लूडेड है देर इज माउथ देर इज फैरिंग क्रॉप एंड गिजट ओके ना मिडगट में ये ये है 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 में ileum, colon, and rectum होते हैं हैं काइटन क्या होता होता पूछ रहे जी जी संतराज संतराज कार्बोहाइड्रेट जी, होता है इलियम कोलॉन एंड रेक्टम गट के तीन हिस्से होते हैं फोरगट को स्टोमोडियम भी कहते हैं ना no, फोरगट में माउथ है अकर्स हेयर थ्रू सेलेवरी राइट स्टार्च होता है फेरिंग्स जो है उसके बारे में क्या याद रखना है माउथ इज ओपनिंग इन टू फैरिंग्स एंड वहाँ पर कोई अलग से डाइजेशन नहीं हो रही ये जो सबसे फूला हुआ चैम्बर होता है ना सोलन चैम्बर दैट इज वट इज कॉल्ड एज क्रॉप क्रॉप इज मेनली अ स्टोरेज चैम्बर उसके बाद आपको गिजर्ड नजर आ रहा है है ना गिजर्ड जो है ये फोरगट uh, और कह दीजिए मिड गट के जंक्शन पे प्रेजेंट है गिजट एक ग्राइंडिंग मशीन की तरह एक्ट करता है ओके देन आपको ये स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे ट्रिब्यूल जैसे इनके बारे में भी पढ़ेंगे मेलपिगियन ट्रिब्यूल्स का भी जिक्र करेंगे हिपेटिक सीके का भी जिक्र करेंगे ईसोफेगस में जो है ईसो इज सराउंडेड बाई सेलेवरी ग्लैंस यू कैन सी हेयर दिज आर दिलेवरी ग्लैंड दिस इज ईसो सेलेवरी रिजरवायर क्रॉप क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा क्रॉप में से विच इज दार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इट इज क्रॉप सो इट इज एक्टिंग एज अ रिजर्वायर फॉर स्टोरिंग फूड क्रॉप में भोजन जो है वो स्टोर होता है और थोड़ा बहुत डाइजेशन भी होता है गिजट जो होता है इट हैज सिक्स काइटिनस प्लेट्स गिजट इज एक्टिंग एज अ काइंड ऑफ ग्राइंडिंग मशीन आपने गिजर्ड बर्ड्स के केस में भी पढ़ा होगा हाईली मस्कुलर चैम्बर होता है फूड को ग्राइंड करता है सो so, गिजर्ड में छे काइटेनस प्लेट्स हैं जो दांत की तरह काम करती हैं भोजन को क्रश करने के लिए ओके मिडगट मिडगट को मिजेंट्रॉन भी कहते हैं मिडगट इज द मेन साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्ब मिडगट रीजन में हिपेटिक सीके जो है गैस्ट्रिक सीके भी कह देते हैं इन्हें दे आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट ये जो हिपेटिक सीके होते हैं बेटा दे आर सिक्रीटिंग दी डाइजेस्टिव एंजाइम्स दिस इज इंपॉर्टेंट

कोई पिगमेंट नहीं होती जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगी उनमें ऑक्सीजन जो है डायरेक्टली सेल्स तक पहुंचती है पतली पतली ट्यूब्स के जरिए जिन्हें हम ट्रैकिअल ट्यूब्स कहते हैं तो गैस एक्सचेंज के लिए ट्रैकिअल सिस्टम है राइट जैसे हमारे शरीर में नाक के थ्रू नॉस्टल्स के थ्रू हवा घुसती है यहाँ पे ना स्पाइरकल्स होते हैं स्पाइरकल्स को स्टिगमेटा भी कह देते हैं बेसिकली ये क्या है ये छेद हैं बॉडी में ये ओपनिंग्स हैं ठीक है ना ओपनिंग्स ऑन द साइड्स, टेन पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स ध्यान रखना है वेरी इंपॉर्टेंट हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पायरिकल्स होती हैं शिवा देर आर टेन पेयर्स ऑफ स्पायरिकल्स और उनकी ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं स्पिटर्स स्पायरिकल्स आर कंपेरेबल टू आवर नोस्ट्रल्स जैसे नाक नॉस्ट्रल के थ्रू एयर गई और एयर बाहर आई इनमें भी वैसे ही होती है तो स्पाकल से हवा जाती है ट्रेक्यूल ट्यूब्स में बड़ी बड़ी ट्यूब में और फिर वो आगे डिवाइडेड होते हैं ट्रैक्यूल्स में ये देखो जी स्पाकल उसके बाद ट्रैक किया उसके बाद ट्रेक्यूल्स और फाइनली वो सेल तक डायरेक्टली ऑक्सीजन डिलीवर कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पिक करके वापस ले आते हैं याद रहेगा इतना इंसेक्ट्स के केस में देर इज नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ब्लड ब्लड का काम गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है स्नेहा याद रखना ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का अगर मैं जिक्र करूं तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है इंसेक्ट्स में ओपन टाइप होता है है ना बॉडी कैविटी हेमोसील जो है दैट इज फिल्ड विद ब्लड और ब्लड को हम यहाँ पे हेमोलिम्फ कह देते हैं और ध्यान रखना कि इसमें देर इज नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट ब्लड का काम गैस एक्सचेंज नहीं होता है हेमोलिम्फ इज कलरलेस प्लाज्मा एंड इट हैज हेमोसाइट्स हार्ट प्रेजेंट है एक लंबी सी मस्कुलर ट्यूब है हार्ट है और वो ब्लड को पंप कर रहा है टिश्यूज दे आर सराउंडेड बाय द ब्लड ये ध्यान रखना है आपको इसलिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हम कह देते हैं राइट right? ना जो हेमोसील है जो बॉडी कैविटी है वो तीन साइनसिस में डिवाइडेड है दिखाऊं कि मान लीजिए ये कॉकरोच का शरीर है इधर हेड रीजन था इधर एनल रीजन है तो यहां पे तीन हैं कौन कौन से देर इज अ पेरी कार्डियल साइनस विच इज कवरिंग दार्ट

यहाँ पे आपको नर्व कॉर्ड के चारों तरफ पेरी न्यूरल साइनस दिख रहा है लेबल हार्ट के चारों तरफ पेरी कार्डियल साइनस एक्चुअल में पूरे शरीर में ना ऐसे पार्टीशन होती है उन्हें डायफ्राम कह देते हैं तो उस डायफ्राम के कारण जो है तीन साइनसेस जो है वो बन जाते हैं खुशी ने सही लिखा है पेरी कार्डियल साइनस है पेरीविसरल साइनस है एंड पेरी न्यूरल साइनस होता है बस इससे ज्यादा ध्यान नहीं रखना हार्ट में कौन से मसल्स होते हैं एलेरी मसल्स होते हैं ऐसे फैन शेप्ड हैं एलेरी मसल्स तो ध्यान रखना कई बार इस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं ट्रिब्यूल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑसमोरेगुलेशन ये पिगियन टिब्यूल्स हेमोलिम्फ में से हेमोलिम्फ में से मेटाबॉलिक वेस्ट इकट्ठे करते हैं और ये हाइंड गट में डाल देते हैं कॉकरोच का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है यूरिक एसिड इनफेक्ट सभी इंसेक्ट्स में यूरिक एसिड बनता है तो हम कहते हैं इंसेक्ट्स आर यूरिकोटैलिक ध्यान रखिएगा यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट इट रिक्वायर्स मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल कॉकरोच पानी नहीं पीते हैं ये भी ध्यान रखना एंड यूरिक एसिड जो है पैलेट्स की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाता है शरीर से तो एक क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कॉकरोच के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मैलपिगन ट्रिब्यूल्स कहाँ पे हैं लोकेटेड कहाँ पे हैं लोकेशन ध्यान रखो मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पे प्रेजेंट हैं और यूरिक एसिड इसका मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है सो इट इज यूरिकोटालिक इज दैट क्लियर जी राइट सोनू सोनू रहे दिल्ली से कौन कौन है क्यों सोनू पार्टी देनी है सबको तुमने hmm? डेलप्ड होता है इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आप देख पा रहे हैं देर इज ब्रेन एंड देर इज ए नर्व कॉड नो ब्रेन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है यहाँ पे पैलेट का मतलब होता है ऐसे छोटी छोटी चीज जो बन जाती है पैलेट नहीं समझते छोटी छोटी गोली जैसी चीज जो है पवन सुनो ब्रेन सुप्राइसोफेजियल गैंगलियन गैंगलिया समझते हैं कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स न्यूरोप्राइसोफेजियल ईसोफेगा से ऊपर इट इज प्रेजेंट इन द हेड एंड इट एक्टसेज ब्रेन तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ लेंगे कि कॉकरोच का ब्रेन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज सुप्राइसोफेजियल गेंग्लियन यहां से नर्व्स निकल रही हैं एंटीना के लिए और कंपाउंड आइज के लिए अब बिकॉज ये नॉन कॉर्डिट्स हैं इनवर्टिब्रेट्स हैं इनमें नर्वस सिस्टम वेंट्रल होता है और डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड है हमारे केस में सेंट्रल हॉलो डॉटसल नर्वस सिस्टम होता है क्योंकि ये हैं यहां पे वेंट्रल नर्वस सिस्टम है, डबल है और सॉलिड है इसके होते हैं। आपने ये भी भी पढ़ा होगा में लिखा है कि का सिर अगर काट भी दिया जाएगा तो भी वो काफी दिनों तक जिंदा रह लेता है बिकॉज uh, मुस्कान बेटा इसका जो मेजर पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम है वो उसके डोमिनल रीजन में होता है नेक्स्ट कम्स द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नाउ दिस डायग्राम इज इम्पोर्टेंट लेट मी टेल यू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम जो है वो इम्पॉर्टेंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये टेस्टीज हैं टेस्टीज में भी ना ऐसे करके लोब्स बने होते हैं समथिंग लाइक दिस ये सपोज दिस इज वन टेस्टीज दिस इज Like this. और फिर यहाँ से डक्ट निकली ऐसे करके वो डक्ट घूम के मशरूम ग्लैंड की तरफ जा रही है तो मैंने ये करके दिखा दिया आपको यहाँ पे ये जो दिखाएंगे ना टेस्ट के अंदर ऐसे ऐसे करके सेल्स अरेंज्ड हैं जहाँ पे स्पर्म बनेंगे टेस्टीज का लोकेशन याद रखना फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्समेंट है इट इज प्राई लोब्ड तीन लोब्स दिख रही है ना जो मैंने एनलार्ज करके बनाई है फोर्थ टू सिक्स कैन बी फ्रेम इज वीडी वासट साइड का टेस्टिज लेफ्ट साइड का उनका वास डिफरेंस आके ऐसे डक में खुल रहा है बीच में आपको दिख रहा है वो एक फूल जैसा स्ट्रक्चर वट इज दैट कॉल्ड एज दट इज द मशरूम ग्लैंड उसी मशरूम ग्लैंड के पीछे भी एक ग्लैंड नज़र आ रही है आपको दैट इज कॉल फेलिक ग्लैंड और द कॉंग्लोबेट ग्लैंड लेट मी राइट दिस मशरूम ग्लैंड ये जो मशरूम शेप्ड स्ट्रक्चर है इसमें टिब्यूल्स होती हैं लार्जर टिब्यूल्स एंड स्मॉलर टिब्यूल्स यूट्रिकुलाई मेजोरिस यूट्रिकुलाई ब्रेवियोरस ये जो पीछे नजर आ रही है दिस इज कॉन्ग्लो ग्लैंड व्हाट इज दिस कॉल्ड कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड ये इसको फेलिक ग्लैंड भी बोल देते हैं इतना क्लियर है जी राइट शिवा इतना स्ट्रक्चर क्लियर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टेस्टिस हैं वास डिफरेंस हैं इजेकुलेटरी डक्ट है और कुछ एडिशनल ग्लैंड्स भी हैं जैसे ह्यूमन्स में भी सेमिनल वेस्टिकल प्रोस्टेट है तो भाई यहाँ भी है यहाँ पर मशरूम ग्लैंड कह देते हैं कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड कहते हैं जिसे फेलिक ग्लैंड भी बोलते हैं ओके okay, ये देखो यहां पे लिखा है एक्सेसरी ग्लैंड कौन से हैं एक्सेसरी ग्लैंड हैं एक तो ये फेलिक ग्लैंड ये वाली जिसका दूसरा नाम मैंने बताया कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोफोर स्पर्मेटोफोर्स क्या है द पैकेट ऑफ स्पर्म्स स्पर्म्स लगातार बन रहे हैं फिर उसको एक ग्लू लाइक मटीरियल से चिपका दिया जाता है और एक पैकेट ऑफ स्पर्म बन जाता है जिसे स्पर्मेटोफोर कहते हैं ठीक है जी मशरूम ग्लैंड का काम है इट हेल्प्स इन नरिशिंग द स्पर्म्स तो ये एक्सेसरी ग्लैंड्स के फंक्शंस पे लिखे हैं मशरूम ग्लैंड जो है स्पर्म्स को नरिशमेंट देता है देन सेमिनल वेसिकल्स भी हैं पे इट स्टोर्स द स्पर्म्स ध्यान रखना ह्यूमंस में सेमिनल वेसिकल का, का काम स्पर्म स्टोरेज नहीं होता है न्यूट्रिशन दे रहा है सेमिनल वेसिकल फ्रक्टोस शुगर बनाता है ह्यूमंस में यहाँ पे स्पर्म्स को स्टोर करता है मेल गोने

प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो हो गए जी ओवरीज एट ओवेरियन टिब्यूल्स और ओवेरियोल्स आर प्रेजेंट इन ईच ओवरी अब जैसे ये एक ओवरी आपको दिखाई हुई है एक ओवरी का एंड व्यू देखें ना तो ऐसे करके इनमें क्या होता है ये जैसे ये फिलामेंट हो गई और ये ओवेरियोल है एक ओवेरियोल हो गया ठीक है उसके बाद ये ऐसे सपोज दूसरा ओवेरियोल राइट देन यू हैव दिस थर्ड ओवेरियोल ज फोर्थ ओवेरियोल तो चार आपको एक तरफ नज़र आ रहे हैं जैसे मेरी चार उंगलियां नज़र आ रही हैं इसके पीछे भी चार होंगे तो आठ ओवेरियोल्स है ईच ओवरी हैज़ एट ओवेरियोल ये वाली चीज़ ओवेरियोल्स के अंदर ओवा बनते हैं तो एक ओवरी में आठ हैं, दूसरी में भी आठ हैं तो टोटल सोलह ओवेरियल्स हो गए तो एक टाइम पे सोलह ओवा बन के नीचे की तरफ आएंगे ईच ओवरी लीड्स इन टू ओवीडक्ट तो यहाँ पे आपको ओवरी और ओवीडक्ट नजर आ रही है ओविडक ज्वाइन टू फॉर्म सिंगल कॉमन मीडियन ओविडक जिससे हम वेजाइना कहते हैं यहाँ पे दोनों साइड की ओविडक डायरेक्टली जुड़ के वेजाइना बना देती हैं ह्यूमन के केस में दोनों ट्यूब पहले यूट्रस में खुलते हैं यहाँ पे कोई यूट्रस जैसी चीज नहीं है वो दिडक्टर डायरेक्टली ओपन इंटू अमन और द मीडियम ओविडक्ट विच इज कॉल्ड वेजाइना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्मा थी होते हैं ध्यान रखिएगा स्पर्मा वर्ड सुनते ही ऐसा लगता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होना चाहिए बट स्पर्मेथी का पार्ट

ियल ग्लैंड बनाती है इज दट क्लियर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम राइट लाइफ साइकिल अब कॉक्रोच के केस में क्या हैक्रोच विल ट्रांसफर दैकेट ऑफ स्पर्म टू द फीमेल और स्पर्मेटोफोर जो होता है ना कैप्स्यूल जो है उसकी कवरिंग्स होती हैं आउटर मिडल इनर वो शेड हो जाती हैं और स्पर्म्स जो है जाके स्पर्मेथिका में स्टोर हो जाते हैं फीमेल प्रोड्यूज नाइन टू टेन ऊथिका एक बार में नौ दस ऊथिका और हर ऊथिका में चौदह से सोलह अंडे होते हैं मैंने कहा था ना आठ ओवेरियल इधर है आठ इधर है तो सोलह अंडे जाएंगे नीचे चौदह भी हो सकते हैं तो चौदह से सोलह एग्स जो है एक ओथिका में और एक बार में नौ से दस ऊथिका बन रहे हैं ठीक है जी तो फर्टिलाइजेशन तो हो गया इंटरनल और जो डेवलपमेंट होता है फिर वो आगे बाहर है डेवलपमेंट जो है ये पोरो होता है मतलब इसमें निम्फल स्टेज प्रेजेंट है फ्रॉक का कोई लार्वा नहीं होता द यंग फ्रॉक सॉरी कॉकरोच कॉकरोच का कोई लार्वा नहीं होता द वन ऑफ द कॉकरोच इज कॉल्ड वॉट द यंग वन इज कॉल्ड निम्फ निम्फ जो है इट रिजल्स द एडल्ट इन स्ट्रक्चर एक्सेप्ट दैट निम्फ के केस में जो है प्रॉपरली अभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवेलप नहीं हुए हैं और विंग्स नहीं हैं द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स एंड ओनली द विंग्स ये वाली बातें

Uh, खुशी निम्फ के स्पेलिंग ठीक लिखो इट इज एन वाई एम पी एच इज दैट क्लियर कॉकरोच के बारे में सारी बातें क्लियर हो गई हैं सबको तो अर्थ में बढ़ सकते हैं आगे हाँ यश मेटामॉर्फोसिस कुछ जानवरों में रेट्रोग्रेसिव है कुछ में प्रोग्रेसिव भी होता है रेट्रोग्रेसिव तब होता है जब लार्वा uh, में एडवांस फीचर्स हों और एडल्ट में ना हो जैसे आपने प्रोटोकॉर्डिट्स में पढ़ा होगा ना एक ग्रुप कि इज प्रेजेंट इन द लार्वल टेल इन केस ऑफ तो और एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं होती तो वो रेट्रोग्रेसिव मेटामोफोसिस है यहाँ पर जो मेटामोफोसिस हमने पढ़ा वो प्रोग्रेसिव है सो कैन वी मूव फॉरवर्ड लाइक्स आते रहने चाहिए अब हम जानते हैं भैया बातें किसके बारे में अर्थवम के बारे में जिन बच्चों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है आकाश नीट डिजिटल के नाम से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए ये सारे नोट्स का पीडीएफ टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर किया जाता है वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा एंथे एग्जाम के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं आप जो कि हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है ठीक है जी चलिए मोफोलॉजी एंड एनाडेमी ऑफ अर्थवर्म अर्थवम केंचुआ भी कहते हैं जिसे बहुत लोगों ने देखा होगा अर्थवम का जुअलॉजिकल नेम है फेरी टीमा कॉकरोच का था पेरी प्लानिटा अमेरिका ना कन्फ्यूज नहीं होना है कॉकरोच था आर्थ्रोपोडा फाइलम का मेंबर अर्थवम जो है वो किंगडम एनिमेलिया में फाइलम एनेलिडा का मेंबर है एनालीडा में सेगमेंटेड वर्म्स आते हैं और फाइलम एनालीडा की क्लासेस हैं पॉलीकीटा ओलिगोकटा हीरोडीनिया इनिया में लीच आती है पॉलीकीटा में नीलिज होती है ओलिगोकीटा को क्लाइटिलाटा भी कहते हैं और इसमें ऑर्डर ऑपिस्थोफोरा है जिसकी फैमिली मेगा है इसमें है जी, जी जीनस फेरिटीमा एंड अब आप डरिएगा मत इतनी सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछेंगे आप केवल जोअलॉजिकल नेम याद रखना और आप इसका फाइलम याद रखिएगा याद रहेगा जी लुम्ब्रिकस भी है एक और स्पीशीज, मेगास्कॉलिक्स भी है एक और स्पीशीज वांडफुल जी अर्थवम में आगे बढ़ते हैं अर्थवम को जब आप देखते हैं बाहर से तो एक ना लाल सी लाइन उसके ऊपर नज़र आती है बड़ी प्रोमिनेंट वो उसकी डॉर्सल ब्लड वेसल होती है अर्थवम रेडिश ब्राउन है टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट है नमी वाली मिट्टी में पाया जाता है फ्रेंड ऑफ़ द फार्मर भी कहते हैं ये मिट्टी खाता रहता है ये इट इन्बिट्स दी अपर लेयर्स ऑफ द मॉइस्ट सॉयल माउथ के थ्रू मिट्टी जाती है इन से पास आउट होती है वर्म कास्टिंग्स भी आपने देखी होंगी कई बार गार्डन में है ना या खेतों में भी तो किसानों के लिए ये फायदेमंद है कि मिट्टी को पोरस बना देता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है उसकी ठीक है जी राइट right? सिलेंड्रिकल बॉडी है सेगमेंटेशन मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब समझते हैं एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इंटरनल सेगमेंटेशन और शरीर में ढेर सारी सेगमेंट्स हैं जिन्हें हम मेटामियर्स कहते हैं अर्थवम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो आपको याद रखना है क्लाइटलम आप अर्थवम को देखेंगे ना तो देखने से भी पता चल जाएगा ऐसा ये एक गर्डल लाइक स्ट्रक्चर है या एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड टिश्यू इसकी लोकेशन याद रखना चौदह पंद्रह सोलह सेगमेंट सो दिस इज इंपॉर्टेंट वेयर इज क्लाइटेलम प्रेजेंट इन अर्थ फर्म सेगमेंट नंबर फोर्टीन फिफ्टीन सेगमेंट सिक्सटीन क्लाइटेलम की प्रेजेंस के कारण अर्थवम के शरीर को तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है क्लाइटेलम से पहले वाली सेगमेंट्स प्री क्लाइटाइलर सेगमेंट्स कहलाती हैं क्लाइटेलम रीजन में जो सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं दे आर क्लाइटेलर सेगमेंट्स क्लाइटेलम के पीछे वाली सेगमेंट्स जो हैं दे आर कॉल्ड पोस्ट क्लाइटाइलर सेगमेंट्स ओके नाउ प्री क्लाइटाइलर सेगमेंट्स में इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं एक आप याद रखेंगे पेरिस्टोमियम और दूसरा प्रोस्टोमियम राइट पेरिस्टोमियम सबसे पहली सेगमेंट है जिसमें माउथ है और उसके आगे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हैंग कर रहा है दैट लाइक स्ट्रक्चर इज व्हाट इज कॉल्ड एज द प्रोस्टोमियम डायग्राम में भी नजर आ रहा है दिस इज प्रोस्टोमियम विच इज अ लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग फर्स्ट सेगमेंट पेरिस्टोमियम एंड पेरिस्टोमियम देन आप अर्थवम के शरीर पे ये पोर्स देख पा रहे हैं जिन्हें या पोर्स कहा जाता है ये कहां है? इंटर सेगमेंटल ग्रूव पर पाँचवीं से नौवीं सेगमेंट तक फिफ्थ टू नाइन्थ तक क्योंकि हम बात करें ना प्री क्लैटेलर रीजन की क्लैटलम तो चौदह पंद्रह सोलह पे है तो भाई चौदह सेगमेंट से पहली सेगमेंट के बीच में क्या क्या विशेषताएं हैं वो बता रहा हूँ आपको तो आपको स्पर्मेथिकल पोर्स याद रखने हैं पांचवी से नौवीं सेगमेंट में ये वेंट्रोलेट्रल हैं पोजीशन में याद रहेंगे प्रीक्लाइटेलर रीजन में कौन-कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं पेरिस्टोमियम प्रोस्टोमियम एंड दी स्पर्मेथिकल पोर्स क्लाइटेलर रीजन में तो क्लाइटलम खुद ही प्रेजेंट है चौदह पंद्रह 16 तो अब उसके पीछे क्या है पोस्टक्लाइटेलर रीजन में पोस्टक्लाइटेलर सेगमेंट्स की क्या विशेषताएं हैं अब हमें ध्यान रखना है भाई मेल पोर्स एंड फीमेल पोर्स अर्थवम होमोफ्रोडाइट होता है मनुष्य से बाईस है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम एनिमल लेकिन फिर भी यहाँ पे दो अलग अलग अर्थवम जो है वो पास पास आते हैं और अपने यहाँ पे गैमिट जो है एक्सचेंज होता है कोकून बनता है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे पोस्ट क्लाइटेलर सेगमेंट में मेल जेनिटल पोर प्रेजेंट है फीमेल जेनिटल पोर भी प्रेजेंट है फीमेल जेनिटल पोर जो है वो चौदहवीं सेगमेंट में है प्रेजेंट इन मिड वेंट्रल लाइन ऑफ द दिन सेगमेंट का नंबर इंपॉर्टेंट है मेल जेनिटल पोर अठारहवीं सेगमेंट पे प्रेजेंट है ठीक है जी फीमेल वाला फोर्टीन पे मेल वाला एटीन आई होप यू विल रिमेंबर दिस और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अर्थवम के सीटे सीटे आपको पता है काइटिनस एस शेप्ड ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स दे आर प्रेजेंट इन ऑल द सेगमेंट्स एक्सेप्ट एक्सेप्शन ध्यान रखना फर्स्ट लास्ट एंड क्लाइटेलम यहां पे सीटे नहीं होते ये जो सीटे हैं इनका काम क्या है दे हेल्प इन लोको मोशन सो यू हैव टू रिमेंबर दिस नेफ्रीडियोपोर्स नेफ्रीडिया इनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में काम आते हैं Nephridia की ओपनिंग जो है वो नफ्रीडियो पोर कहलाती है पोर्स जो हैं दे आर पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड दे एक्सपेल आउट द नाइट्रोजनस वेस्ट अर्थवम यूरिया भी बनाता है अर्थवम अमोनिया भी बनाता है बहुत सारा पानी अवेलेबल होगा तो अमोनोटेलिक हो जाएगा कम पानी अवेलेबल होगा तो यूरियोटेलिक बॉडी वॉल देखें अर्थवम की अर्थवम की जो बॉडी वॉल है वो सॉफ्ट होती है मॉइस्ट है क्योंकि बॉडी वॉल के थ्रू भी गैस एक्सचेंज होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है बॉडी वॉल की क्यूटिकल क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस प्रेजेंट है जिसके नीचे मसल्स की लेयर है और सबसे अंदर की तरफ एपिथीलियम होता है सिलोमिक एपीथीलियम सो द आउटर मोस्ट नॉन सेलुलर लेयर इज क्यूटिकल क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस है जिसमें कॉलिमिनर एपिथीलियल सेल्स हैं और उसके नीचे मसल्स हैं खुशी बेटा मसल्स बेटाट्यूडनल भी हैं और मसल्स सर्कुलर भी हैं यहाँ पे आपको एक ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया है सेक्शन में आप देख पा रहे हैं लॉन्गिट्यूडनलर मसल्स हैं सर्कुलर मसल्स हैं एंड बॉडी वॉल के थ्रू गैस एक्सचेंज होता है याद रखिएगा तभी हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है फ्रॉग में भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है नेक्स्ट कम्स दी एलिमेंट्री कैनाल अर्थम की एलिमेंट्री कैनाल में What is included? There is mouth, there is buccal cavity. पहली सेगमेंट में माउथ है पहली से तीसरी में बकल कैविटी है और उसके बाद है फेरिंग्स जो कि सेगमेंट नंबर फोर में प्रेजेंट है सीक्वेंस याद रखना जैसे कॉकरोच में माउथ है देन उसके बाद क्या है जी बकल कैविटी है यहाँ पे फेरिंग्स ईसोफेगस अब आप गिजर्ड स्ट्रक्चर यहाँ भी देख रहे हैं आपने कॉकरोच में भी गिजर्ड देखा था एक मस्कुलर चैम्बर है ग्राइंडिंग मशीन की तरह काम करता है कॉकरोच के केस में गिजर्ड में काइटनस टीथ भी प्रेजेंट थे यहाँ पे नहीं है राइट इसोफेगस का लोकेशन पांचवीं से सातवीं सेगमेंट है गिज़र्ड, गिज़र्ड का फंक्शन याद रखना फूड इज ग्राउंड टू अ पेस्ट हेयर ओके स्टमक स्टमक वेस्कुलराइज है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है एंड स्टमक में ग्लैंड भी प्रेजेंट है अर्थवम की इंटेस्टाइन में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जैसे हम टिफ्लोसोल कहते हैं ये ओवरऑल एब्जॉर्बिव सरफेस एरिया को बढ़ाता है टिफ्लोसोल इज प्रेजेंट फ्रॉम ट्वेंटी सिक्स सेगमेंट ऑनवर्ड्स इट इज एन इंटरनल मीडियल फोल्ड टिफ्लोसोल का काम क्या है टिफ्लोसोल इंक्रीज सरफेस एरिया टिफ्लोसोल इंक्रीजेज सरफेस एरिया

का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है भाई सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है एनलेडा फाइलम में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में मीन्स ब्लड फ्लो थ्रू प्रॉपर ब्लड वेसल्स मल्टीपल हार्ट प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे राइट जी आपको वो ध्यान नहीं रखने हैं ब्लड ग्लैंड ध्यान रख लेना प्रेजेंट ऑन फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स सेगमेंट ब्लड ग्लैंड एंड दे प्रोड्यूज हेमोग्लोबिन एंड दे प्रोडूस द ब्लड सेल्स याद है जी याद रख इतना ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड है एफिशिएंट है देयर इज अ प्रोमिनेंट डॉर्सल ब्लड वेसल जो अर्थम के हार्ट की तरह काम करती है ब्लड का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन जो होता है हीमोग्लोबिन इज डिसॉल्वड इन प्लाज्मा जैसे हमारा हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर है सो so, इसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिसॉल्वड होता है एक्सक्रीशन के लिए इनके पास खास तरह की टिब्यूल्स होती हैं जिन्हें नेफ्रीडिया कहा जाता है राइट एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इज परफॉर्म्ड कोयल्ड सिलिएटेड टिब्यूल्स, जिन्हें हम कहते हैं नेफ्रीडिया फैजान ठीक है याद रखोगे नेफ्रीडिया मेरे बच्चे एक्सक्रीशन भी करते हैं रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन भी करते हैं मेनटेन्स वाटर एंड आयनिक कॉन्टेंट ऑफ द बॉडी एक्सक्रीशन अलग बात है ऑस्मो रेगुलेशन अलग बात है ठीक है जी ना नेफ्रीडिया कई तरह है के हैं इनकी स्किन में जो प्रेजेंट है दे आर कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया इनके सेप्टा में जो प्रेजेंट है सेप्टा होती है पार्टीशन एक सेगमेंट और दूसरे सेगमेंट के बीच की पार्टीशन सेप्टा कहलाती है वहां पे सेप्टल नेफ्रीडिया प्रेजेंट है फेरिंग्स रीजन में फेरेंजियल नेफ्रीडिया प्रेजेंट है सो देर आर Uh, integumentary nephridia, there are septal nephridia and there are pharyngeal nephridia. What is the function of nephridia? The function of nephridia is maintenance of water. एंड आयनिक कॉन्टेंट एज वेल एज रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट सो कुछ एंटीरोनेफ्रीडिया होते हैं कुछ एक्जोनेफ्रीडिया भी होते हैं एंटेरोफ्रीडिया बॉडी फ्लूइड में से जो है वो कलेक्ट करेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट और उसे इंटेस्टाइन ही डाल देंगे एंड दैट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ़ द बॉडी वाटर एंटेरोफ्रीडिया जिसमें आ जाएंगे आपके फेरेंजियल और सेप्टल नेफ्रीडिया जो इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया वो शरीर से बाहर को फेंक देंगे मेटाबॉलिक वेस्ट दे आर कॉल्ड एक्जोनेफ्रीडिया नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है नर्वस सिस्टम से जर्नली अर्थव के इस टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देर इज वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड देर इज अ नर्व रिंग यहाँ पे कोई प्रॉपर ब्रेन जैसी चीज नहीं है राइट ये नर्व रिंग जो है बायोलोब्ड है सरिब्रल गेंगलिया है तीसरी और चौथी सेगमेंट में प्रेजेंट है देर इज नथिंग मच यू नीड टू नो अबाउट दर्वस सिस्टम राइट जी

कोकून बनता है अर्थवम के केस में जिसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है अर्थवम की कोई ऐसी फ्री लार्वल स्टेज नहीं होती है यंग छोटे छोटे वर्म जरूर है जो कोकून में से निकलते हैं अर्थवम की अपनी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है जो मैंने आपको बताई अब मोफोलॉजी एंड एनेटमी ऑफ फ्रॉग हम अगले सेशन में करेंगे समय का अभाव होने के कारण आज हम नहीं कवर कर पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा बेल आइकन को हिट करना कम्युनिटी पोस्ट देखते रहा करो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो जहां पे हर सेशन की इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं ठीक है जी तो फ्रॉग हम अगले सेशन में पढ़ेंगे आई होप यू हैव द सेशन लाइक like ज़रूर कीजिएगा प्रेस जरूर कीजिएगा लाइक like का बटन और बेल आइकन को भी हिट कर लेना चैनल सब्सक्राइब कर लेना एक और इंपॉर्टेंट बात आज इवनिंग वाले सेशन में हम जेनेटिक्स का मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस शुरू करने जा रहे हैं डीएनए का स्ट्रक्चर चारगेफ रूल्स क्या हैं ये सारी बातें पढ़ेंगे तो आप शाम पाँच बजे भी मुझे मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार बाय बाय गॉड ब्लेस यू ऑल